तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की कमाल की हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल के हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में मिलते हैं। डेली लाइफ में ये फीचर बहुत ही काम के हैं। क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल का दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हिडन ट्रिक है या हिडन टिप है वो है टैक्स एक्सट्रैक्शन की। मतलब कि आप कोई सी भी इमेज में से टैक्स को निकालना हो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको गैलरी में जाना है, आपको अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है, गैलरी में जाना है वो जहाँ पर आपको जिस फोटो में से टैक्स को निकालना है आपको वहाँ चले जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसे थोड़ी देर क्लिक करके रखना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको वहाँ पर एक कर्सर सा दिख जाएगा और आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट या कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला जो ट्रिक है या सबसे पहली जो कमाल का ट्रिक है वो यही है। उसके बाद सेकेंड जो टिप या सेकेंड जो फीचर दिया गया या सेकेंड जो हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ वो है पावर की को लेके। आप पावर की के जो उसका टास्क है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसका जो काम करने का तरीका अपने हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर जाना है आपको मोबाइल के गुड लक वाले मॉड्यूल में चले जाना है, गुड लक वाले मॉड्यूल में चले जाना है या आपको रजिस्टर ऐप में चले जाना है। अगर आपको रजिस्टर ऐप नहीं पता तो आपको गुड लक मॉड्यूल में ही जाना होगा। गुड लक की मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर रजिस्टर ऐप में, रजिस्टर ऐप में आपको चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है नीचे की तरफ, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप अपने सेटिंग पावर की को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जाना है साइड की एंड प्रेस ऑल्ट की पे, आपको यहाँ पर कस्टमाइज के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहे जो भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको चाहे यहाँ पर आपको दिख रहा है टैग स्क्रीनशॉट्स करके ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसको बैक करेंगे और जैसे ही आप उसको क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। और भी आप अच्छे से अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेकंड टिप जो है ये है। उसके बाद दोस्तों थर्ड टिप बताने वाला हूँ, वो भी हिडन फीचर है। एक और बटन लेयर एड ऑन कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी में ताकि आपकी यूजेस और अच्छे हो जाएं। वापस आपको रजिस्टर ऐप में जाना है। रजिस्टर ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत यूजफुल है। पहले आपको अनदर ऐप में मिलता था, अब आपको इसमें मिलने लगा है बैक टैप एक्शन वाला। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप डबल टैप ट्रिपल टैप में अपने हिसाब से जो भी कुछ भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक मैं डबल टैप में चाहता हूँ कि मेरा ये पॉपअप विंडो में खुल जाए, मैं 1-2 डबल टैप करूँगा और वो वहाँ पर आप देखेंगे पॉपअप में वो चालू हो जाएगा। जैसे मैं बैक करूँ वो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया, आप देख सकते हैं। आप ऐसे ही अपने हिसाब से और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर, डबल टैप ट्रिपल टैप में, शो नोटिफिकेशन, शो रिसेंट ऐप या कोई ऐप और ऑन खोलना चाहते हैं सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं थर्ड ट्रिक ये थी। उसके बाद दोस्तों फोर्थ जो ट्रिक बताने वाला या फोर्थ जो टिप बताने वाला वो भी बहुत शानदार है, वो है शेयर को लेके। दोस्तों आपको बताओ कि हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो क्लिक कर लेते हैं बट वो हमारे गैलरी के फोल्डर में चले जाता है और स्क्रीनशॉट और फोल्डर में चले जाता है। बट आप बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेते हो और बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीनशॉट होते हैं तो आप वहाँ पर उसको फोल्डर को चेंज कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में इजीली एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए वापस आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा सेव स्क्रीनशॉट डॉट इन पे, आपको अपने यहाँ पर सेव कर लेना है। यहाँ पर लाइक इंटरनल स्टोरेज पे आ गए। स्टोरेज में आने के बाद आपको कहाँ पर उसको सेव करना है वहाँ चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है तो वो आपका वहाँ पर फोल्डर सेव हो जाएगा और आपकी जो स्क्रीनशॉट है उसी जगह पे परमानेंट सेव होने लगेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कमाल की दे दी गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में फुल स्क्रीन पे कुछ डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक फीचर और मिलता है हिडन टिप, आपको उसको भी ऑन कर लेना है। यहाँ जाएंगे एडवांस में, यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टी टैक्स या लैब्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको मल्टी ऑन विंडो पे ऑन कर लेना है। ये ऐसे क्या होगा जो जो ऐप सपोर्ट नहीं करती मल्टी विंडो को वो भी लगभग सपोर्ट करने लग जाएगी। तो आपको उसको ऑन कर, उसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर स्वैप फॉर स्प्लिट स्क्रीन वाले को भी ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके बाद क्या होगा, जब भी आपको मल्टी स्क्रीन करना हो आपको दो फिंगर ऊपर करना है, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर मल्टी विंडो ओपन कर पाएंगे या फिर बोल सकते हैं आप यहाँ पर कुछ भी ओपन कर सकते हैं मल्टी विंडो में।
तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत शानदार दे दी गई ताकि आप बहुत अच्छे से मल्टी विंडो का या मल्टी चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ कर सकें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप जब भी अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो आपको पता होगा फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिमिटेड फ्लैश लाइट मिलती है और वो कंटिन्यू चलती रहती है। आप देख रहे होंगे वो कंटिन्यू एक ही मतलब क्या बोल सकते हैं, जितनी उसकी पावर है उस हिसाब से कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आप उसकी ब्राइटनेस को भी यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि उसकी थिकनेस के हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकें। जहाँ आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो वहाँ आप ज़्यादा डार्क कर लीजिए, जहाँ कम की ज़रूरत है तो आप उसको कम ज़्यादा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी काम का हिडन ट्रिक है और हिडन फीचर है। उसके बाद दोस्तों मैं कमाल का एक ट्रिक और बताने वाला हूँ जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। उससे क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से कहीं भी यूज़ करें। लाइक मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लगा रखा है, मैं ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक हो जाता है। देख रहे होंगे ऐसे ही मैं इधर से ऊपर से स्वाइप करूँगा तो मेरा यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है, यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप करूँगा तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है। आप देख रहे होंगे क्यूब मेन्यू ओपन हो जाता है, ऐसे इधर नीचे की तरफ करूँगा तो यहाँ पर मल्टी स्क्रीन हो जाती है। कैसे, लाइक मैंने यहाँ पर कैमरा खोला, मैं यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप कर दूंगा तो ये कैमरा ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है वन हैंड ऑपरेशन ऐप में, आपको दिख जाएगा उसमें चले जाना है। उसमें चले जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मिल जाएंगे, आपको लेफ्ट या राइट में चले जाना है। जैसे मैं राइट में आ गया हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट में आ गया हूँ। लेफ्ट में आने के बाद मैंने ऊपर कैमरा लगा के रखा है तो अब मैं यहाँ पर इसको सेट आउट कर देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर जब भी मैं ऊपर की तरफ करूँ तो मुझे यहाँ पर और कुछ या फिर जैसा भी आपको जो भी चीज़ सही हो या नोटिफिकेशन एक्सेस हो जाए तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो भी चीज़ करवाना हो आप उस पर क्लिक करेंगे और वो काम हो जाएगा। लाइक मैंने ऐसा कर दिया है, अब मैं ऊपर की तरफ करूँगा, जब भी मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नीचे की तरफ आ जाएगी। आप देखेंगे नोटिफिकेशन यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। ये कुछ हिडन ट्रिक्स है जो कि मैंने आपको बताया। आप बोलेंगे तो बहुत ईजी, बहुत लोगों को पता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं भी पता हो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।